कई साल पहले 100 एकड़ ऊंट की गहराई में क्रिस्टोफर रोबी नाम का एक लड़का कुछ अजीब से जीवों से मिला। वो जीव ना ही इंसान थे और ना ही पूरे जानवर, कुछ अलग ही तरह के जीव थे वो, जो इंसान भी नहीं है और जानवर भी नहीं। वो खुद को उल्लू, खरगोश, यॉर्क, पिगलेट और उनमें से सबसे जरूरी विनी द पूह कहते थे। बच्चों जैसी मासूमियत के साथ क्रिस्टोफर ने खतरे को नजरअंदाज किया और उनसे दोस्ती कर ली। वो उनके लिए खाना लाता था और हर दिन साथ बिताने से उनका रिश्ता मजबूत हो गया। दिन महीनों में बदलते गए, महीने सालों में बदलते गए। आखिर में क्रिस्टोफर ने डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज जाने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल से फैसला किया और उसे अपने दोस्तों को छोड़ने का फैसला करना पड़ा। और फिर सर्दी आ गई, रात ही जानलेवा ठंडी थी, जमीन बंजर थी और कहीं भी खाने को कुछ भी नहीं था। एक भयानक रात भूख से बेहाल होकर उन सभी ने जिंदा रहने के लिए एक फैसला किया कि उनमें से एक को मारकर बाकी सब खा ले, और इसीलिए योर ने अपनी जान दे दी। इस खोर अपराध के दुख से उनकी सादगी को बहुत नुकसान हुआ था। वो जंगली हो गए और दुनिया के सभी लोगों से नफरत करने लगे, और सबसे बढ़कर क्रिस्टोफर रोबिन उन्हें छोड़ने के लिए एक और समझौता हुआ। उन्होंने अपनी मानवता को छोड़ दिया और अपने जानवरों वाली जिंदगी की तरफ लौट गए और फिर कभी ना बोलने की कसम खाई। 5 साल बाद क्रिस्टोफर, जो अब एक काफी बड़ा हो चुका है, 100 एकड़ की लकड़ी में लौटता है अपने मंगेतर मैरी के साथ अपने पुराने दोस्तों के साथ पुनर्मिलन करने के लिए, लेकिन एक उजाड़ अवस्था में जगह पाता है। मैरी के छोड़ने की चेतावनी के बावजूद क्रिस्टोफर आगे की जांच करता है, लेकिन पिगलेट ने उसे चौंका दिया और एक जंजीर से मैरी का गला घोंट दिया। डर के मारे क्रिस्टोफर भागने का प्रयास करता है, लेकिन पूह और पिगलेट उसे घेर लेते हैं और उसे वापस जंगल में खींच लेते हैं। कुछ समय बाद विश्वविद्यालय के छात्रों का एक ग्रुप मारिया, जेसिका, एलिस, जो और लारा मारिया के चिकित्सक द्वारा सुझाए गए 100 एकड़ वुड में एक केबिन किराए पर लेते हैं, ताकि वो एक दर्दनाक पीछा करने के अनुभव से आगे बढ़ सकें। टीना, मारिया की एक और दोस्त, केबिन के रास्ते में खो जाती है और पू उसका एक परित्यक्त कारखाने में पीछा करता है, जहां वो उसे लकड़ी के टुकड़े से पीसता है। बाद में अपने ट्री हाउस में पू, जिसने क्रिस्टोफर को बंदी बना लिया है, उसे बेरहमी से ईयोर की पूंछ से कोड़े मारता है और मैरी के कंकाल को एक कोने में रख देता है और क्रिस्टोफर को उसके खून से नहला देता है। जैसे ही रात होती है, पू और पिगलेट का केबिन से सामना होता है। वो लारा पर घात लगाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसे सड़क पर ले जाते हैं, जहां पिगलेट उसे नीचे गिरा देता है, जबकि पू धीरे धीरे लारा के सिर पर एक कार चलाता है, जिससे उसकी खोपड़ी कुचल जाती है। हंगामे को सुनने के बाद मारिया और जेसिका जांच के लिए बाहर जाती हैं। केवल लारा की लाश को खोजने के लिए एलिस और जो को चेतावनी देने के लिए केबिन में पीछे हट जाती हैं। लड़कियों पर पूल द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें अलग कर दिया जाता है। पिगलेट प्रवेश करता है, एलिस को बेहोश कर देता है और एक हथौड़े से उसके चेहरे को तोड़कर जो को मार देता है। मारिया और जेसिका पू के रूप में देखते हैं और पिगलेट एलिस का अपहरण करते हैं और उसे बचाने के लिए जंगल में उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। पू के ट्री हाउस में मारिया और जेसिका ने एलिस, क्रिस्टोफर और चार्लिन नामक एक अन्य बंधक को मुक्त कर दिया, जिसके पति डारेल को पहले ही पिगलेट द्वारा मार दी गई है। चार्लिन के चेहरे पर गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद बदला लेने के लिए चार्लिन ने पिगलेट को उसे मारने के लिए बुलाया, लेकिन पू ने उसे वश में कर लिया और पिगलेट ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पू जंगल में मारिया और जेसिका का पीछा करता है, लेकिन एलिस पिगलेट को वश में करने के लिए पीछे रहता है। वो उसका पीछा करता है और फिर अपने स्वयं के स्लेजेइमर के साथ एक बेजोड़ पिगलेट को बुरी तरह से काटता है। पू, जिसने पिगलेट की चीखें सुनी, वो पिगलेट को बचाने वापस आता है। पू एलिस पर घात लगाकर हमला करता है और एलिस को चाकू से उसके खुले मुंह से दीवार पर घातक रूप से घोपने के लिए आगे बढ़ता है और उसे मार देता है। मारिया और जेसिका सड़क पर भागते हैं, जहां वो 4 स्थानीय पुरुषों, लोगान, टकर, जॉन और कोल्ट द्वारा संचालित एक कार को रोकते हैं मदद लेने के लिए। पुरुषों द्वारा उसे नीचे गिराने की कोशिशों करता है।
पर उसके बावजूद पू आसानी से उन्हें व्यक्तिगत रूप से तब तक मारता है जब तक कि मारिया उसे कार से कुचलने की कोशिश नहीं करती। पू कार पर चढ़ती है और वो होश खोते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है। जागने पर वो देखती है कि पू जेसिका का सिर काट रहा है। पू मारिया को मारने का प्रयास करता है जब तक कि क्रिस्टोफर दूसरी कार चलाते हुए दिखाई नहीं देता। पू को दो कारों के बीच कुचल देता है और जाहिर तौर पर उसे मार डालता है। भाड़ में जाओ। क्रिस्टोफर मारिया की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन पू मुश्किल से बच पाता है। प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। उसे चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। कर रहे हो? प्लीज, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हें मेरी जरूरत है, सिर्फ मेरी, उसे छोड़ दो। क्रिस्टोफर पू से उसे बख्शने की याचना करता है। बदले में उसके साथ 100 एकर वुड में स्थायी रूप से रहने का वादा करता है। पू धीरे धीरे पहले अपना चालू कम करता है लेकिन फिर मारिया का गला काटने से पहले क्रिस्टोफर को वो चला गया बताने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ता है। उसे अपनी बाहों में मरते हुए देखने के बाद एक दर्दनाक क्रिस्टोफर अपने पूर्व मित्र को महसूस करते हुए अब मदद से परे है। देखता है कि पू जंगल से भागने से पहले मारिया का लाश को बार बार छुरा मारता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।